न्यूज 18 महानगर को स्वागत करुछी मु अभिन्न आशुतोष। डेंगू कबल रे कबलित राजधानी भुवनेश्वर रे 600 पार डेंगू आक्रांतों संख्या जहां वर्तमान चिंतार कारण पलटिछि। स्वास्थ्य विशेषज्ञों कहिबा कथा सचेतनता को व्यापक करु बीएमसी, सेपटे स्वच्छसेवी संगठन सहायता रे बुलिला सचेतनता रथ। परिसारिलानी डेंगू नजर पकांतु किछि अंचल उपरे, नीलाद्री बिहार रे 102, शैलश्री बिहार रे 75, पटिया रे 35, एमिति हरचंडी 1 नंबर, बडगड़, कल्पना और पुरुणा भुवनेश्वर और सालिया साही रे आतंक रचिछि डेंगू, जहाँकु नै बीएमसी रो परिबा पणिया उपरे सृष्टि होइछि प्रश्नवाची। स्वास्थ्य विशेषज्ञों कहिबा कथा सचेतनता को व्यापक करु बीएमसी। वेक्टर बर्न डिजीज कंट्रोल कार्यक्रम करिबा ता प्रति बे हमकु सतर्क होबागु पड़िबो। ता मु कहबी जोठी पानी जमा हि रहउछि केमता को हमें सफा करिबा, केमती प्रॉपर निष्कासन करिबा पानी रो, सेटा गोटे सबुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। परिवेश केमती परिष्कार परिच्छन्न रखिबा, एवं जोठी मशा माने अंडा दियंती, मशा लार्भा, मशा केमती मरा जीवो, मस्क्यूटो स्प्रे केमती करा जीवो, धुआं केमती छोड़ जीवो, ता प्रति हमें ध्यान देबा। हमर पर्सनल विजिट सब वार्ड मानकर 67 वार्ड को सब अफिसर दायित्व दिया हैछि। समस्ते जोड़े किए गोटे एमती 36-37 जन अफिसर ए मुतयन होती कि ऑब्जर्व करेंगे ऑन दि डे एवं डेट गोटे दिन सरला परे गोटे डे रो रिपोर्ट भी सबमिट कर। तेणु आम भावुँ निश्चित भाव लोकंर क्वेरी रोक तो दोष देने हेनी, ता सहित आमको भी सचेतन करेबार जो माध्यम गुड़ी आउटे बलवत्तर कर। भुवनेश्वर जय ओडिशा स्वेच्छासेवी संगठन और बीएमसी रो मिलित आनुकूल्य आरंभ होईछि सचेतनता कार्यक्रम। विभिन्न स्थान रे गड़ीछि सचेतनता रथ। सचेतनता कार्यक्रम रे विधायक अनंत नारायण जेना, ओडिशा मो परिवार रो मुख्य अरूप पटनायक और जय ओडिशा रो सभापति रुद्र सामंतराय, जेडीसी अंशुमान रथ प्रमुख उपस्थित रही सचेतन रथ को आग को बढ़ाईथिले। बेसिकली हमर 10 जन वॉलंटियर रहउछथि, से माने आज जेंति शहीद नगर एरिया रो लोक मानकु नेकि बहु विलंबरे बीएमसी रंदित भांगी देखिबार कथा डेंगू रोकिबारे केते दूर सफल हेउछि प्रशासन। भुवनेश्वर संजय साहू को सह सुमंत सुंदर राय, न्यूज 18 ओडिया। सप्ताहांत सटडाउन पर स्वाभाविक होई राज्य धीरे धीरे खुलुची धर्मानुष्ठान। आज गाइडलाइन रे खुली कोणार्क मंदिर, कालीठ दर्शन देवे माँ समलेश्वरी और आसंता 4 तारीख में खोल माँ बीरजा मंदिर। एसबू भितर केवे भक्तों खोल श्रीमंदिर, खूब शीघ्र श्रद्धालुओं श्रीमंदिर खोलने नहीं निपे निष्पत्ति, तेणे चलचंचल बड़दाण्ड ठू बेलाभूमि। आसंता 4 दर्शन देवे माँ बीरजा, कालीठू खोल समलेश्वरी मंदिर, कालिया दर्शन के। कोरोना पाई बंद रही कालिया दर्शन, भक्तों पाई बंद रही भगवानों द्वार। कोरोनार द्वितीय लहर में संक्रमण वृद्धि पर एप्रिल 24 तारिखर भक्तों पाई बंद रही श्रीमंदिर। यारी भितर आसी एक भल खबर, खूब शीघ्र श्रद्धालुओं श्रीमंदिर खोलने नहीं निपे निष्पत्ति। आसंता 4 तारीख में श्रीमंदिर परिचालना कमिटर बैठक डक एवं संक्रमण धीरे धीरे कमुथिवारु परिस्थिति धीरे धीरे स्वाभाविक होउछि, तेणु कटकणा मध्य भक्तों पर मंदिर खोलने निष्पत्ति निपे ना दर्शन तो मिल पारानी। आशा रखिक आसलु कि मंदिर बोध खोला थी कि आस देख लु मंदिर खोला ना, और बाहर पतित दर्शन करके जाऊ आशा कर थर आसला मंदिर खोली जाइ। जगन्नाथ टेम्पल ओपनिंग पाई 4th को सब स्टेक होल्डर मानक संगे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर गोटे मीटिंग रखी से डिसाइड करा जीवो श्री जगन्नाथ टेम्पल ओपनिंग उपरे। एणे दीर्घ दिन पर चलचंचल बड़दाण्डर आरंभ कर बेलाभूमि और सपिंग मल, सप्ताहत सटडाउन पर पुरी में सबुठ गहल चहल। बड़दाण्ड में भक्तों भिड़ देखी बेस खुशी उठा दोकानी आरंभ कर बुला पिकाली एवं फोटोग्राफर, एसबू भितर समस्त अपेक्षा केबे खोल श्रीमंदिर, मुख्य स्रोत को केबे फेर पुरीर लाइफ लाइन। सेपटे प्रशासन पर चैलेंज सृष्टि कोविड्र तृतीय लहर और अनलक्र नुआ गाइडलाइन। गाइडलाइन को अनुपालन नहीं जिलापालों अध्यक्षत विभिन्न विभाग अधिकारी को नहीं होई प्रस्तुति बैठक। एबे हमर आरटीपीसीआर टेस्ट 300 केते होची, हमको 500 टारगेट अछि, आउ एडमिशन हमर आगर अपेक्षा कमी छि, प्लस क्रिटिकलिटी बहुत कम। आमे पूरे रे डेफिनेटली डाउनवर्ड ट्रेंड रे अछि, पॉजिटिविटी 5 को दिन देखो छि काहे कि रिपोर्ट ता को दिन अधिक पळे आछि, किंतु हमर पॉजिटिविटी रेट ग्रेजुअली डिक्रीज करू छि। बाहर देश रे तृतीय लहरी फुणी लागिलेनी, तनो सरकारन तरफ रो जो वर्तमान गाइडलाइन चली छि
से गाड़ी लाइन अनुसार जदि पर्यटक मैंने कर्मचारी मैंने समस्त जब एकाठी नियम अनुसार चलिए तेल सरकार नियम को नियम रमर भी पेट पोषण सब ठीक मानक रोड़े दिन बंद था दिमास ये दु वर्ष होगा खोलिया भितर खुशी अच्छे बेपार चलिए आस्ते आस्ते चलिए आज्ञा दीर्घ दिन व्यवधान पर खोली विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर दैनिक बुली पारे 2000 पर्यटक ऑनलाइन टिकेट व्यवस्था करा कोणार्क परिसर को गाइड फोटोग्राफर और गणमाध्यम प्रतिनिधि को मना से भली आसंता कालीठू दर्शन देवे पश्चिम ओडिशार इष्टदेवी माँ समलेश्वरी सकाल 6 दिन 11:30 अपराह्न 3 राति 7:30 पर्यंत खोला रहिबो मंदिर प्रति सोमवार सानिटाइज पाई भक्तों पाई बंद रहिबो मंदिर तेबे गर्भगृह भितरक भक्तों प्रवेश बारण रही भक्त मैं दर्शन करेंगे जन पारे बोल बहुत खुश हो यहाँ भी आम ट्रस्ट जेन आमको गाइडलाइन देवे सरकार जेन देचन गाइडलाइन आमको जेन देवे से हिसाब से आम चलमु बोल भाभी आसंता 3 मंगलवार सकाल 6 खोल एवं कोविड प्रोटोकॉल पूरा फॉलो हे गोटे पटु एंट्री करेंगे गोटे पटु बाहर से निर्देशावली अच्छी तो ही फॉलो करा से फलो मंदिर भितर को कौन धूप दीप फूल प्रसाद कौन प्रकार वस्तु नाप अनुमति वर्तमान परिस्थित रे प्रदान करा जाए आम बहुत खुशी आम जो न्यूज रे कल शुणिलु आम बहुत खुशी जे जहाँ माँ को दर्शन करते दिन है माँ को दर्शन होनी तो आम बहुत खुशी आम जो एपटे जाऊ आम माँ को मुंडिया कहूँ माँ तो दर्शन के सप्ताहत सटडाउन पर स्वाभाविक हो राज्य हलमल खोली बेले धीरे धीरे खोलुची धर्मानुष्ठान हेले समस्त नजर केवे भक्तों पर खोल श्रीमंदिर संबलपुर त्रिविक्रम प्रधान कोणार्क देवाशीष सिंहरायन पुरी कैमरामैन अमरेन्द्र सहित अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया नजर पकाइबा वर्तमान समय एक ताजा खबर उपरे 11 तारिखर मैट्रिक खाता देखापाई निष्पत्ति होईछि 11 तारिखर मैट्रिक ऑफलाइन परीक्षा खाता देखा आरंभ हेब 7 जिल्लार 9 सेंटर रे हेब खाता मूल्यायन खाता देखारे नियोजित हेबे 1500 शिक्षक और शिक्षयित्री कटक ढेंकानाल जाजपुर केन्द्रापड़ा रे हेब खाता देखा केन्द्र तासह खोर्धा नयागढ़ पुरी रे भी खाता देखा केन्द्र करबा को निष्पत्ति निया जाईछि 3 दिन धरी चलिबो मूल्यायन परीक्षा तेबे बिना परीक्षा रे मैट्रिक परीक्षा पास करी जो माने कम नंबर पाई थिले बा मार्क कुने असंतुष्ट थिले सेमानंक पई द्वितीय थर ऑफलाइन रे परीक्षा रो सुजोग देथिले सरकार एवं एथि पई प्राय 15000 छात्र छात्री विभिन्न स्तर रे रेगुलर एक्स रेगुलर एवं मध्यम स्तर रे आवेदन करथिले सेमानंकर खाता देखा प्रक्रिया 11 तारिखर करबा पई वर्तमान समय रे सरकार निष्पत्ति नैछंती 11 तारिखर मैट्रिक रो ऑफलाइन परीक्षा रो खाता मूल्यायन पई बोर्ड पक्षर मध्य तमाम बंदोबस्त करा जाईछि 7 जिल्लार 9 सेंटर रे खाता देखा व्यवस्था करा जाईछि जेउथरे 1500 शिक्षक शिक्षयित्री नियोजित हेबे कटक ढेंकानाल जाजपुर केन्द्रापड़ा समेत खोर्धा नयागढ़ पुरी रे खाता मूल्यायन केन्द्र करबा को निष्पत्ति निया जाईछि सामाजिक दूरता सानिटाइजेशन सहित कोविड प्रोटोकॉल को अनुसरण करी खाता मूल्यायन करबा पई निर्देश देइछंती बोर्ड कर्तृपक्ष दीर्घ दिन पर राजधानी में सबू खुली खुली हॉल मॉल और पार्क बहु मॉल खोली बेले भिड़ परिलक्षित होईछि पार्क रे असजड़ा होई पड़िथिबा भित्तिभूमि राजधानीवासी को हताश करिछि तेणु प्रथम दिन रे कोनोसी पार्क रे भिड़ जमी नाही तेणे रास्ता कड़ रे जमीछि बुला बिकाळी को बेपार अन्य पक्षरे 5 तारीख रु राजधानी रे फिल्म हॉल खोलुथिबा सूचना मिलिछि दीर्घ 3 मास पर खोलिबो फिल्म हॉल बंद थिला व्यवसायिक प्रतिष्ठान गाइडलाइन भितरे खोलीछि पार्क सिनेमा हॉल मॉल मॉल भितरे थिबा सबु सब 3 मास बंद थिबारु खोलिबा परे सजडा आरंभ होईछि नजर पकांतो ए दृश्य उपरे मॉल भितरे को एंट्री करूछंती ग्राहक एंट्री करबा पूर्वरु प्रथमे सानिटाइज हेबा परे सिक्युरिटी सह मीट दुई डोज ओ टेस्ट रिपोर्ट देखाइबा परे भितरे को एंट्री करूछंती वर्तमान राजधानी रे फिल्म हॉल रे कोनोसी शो देखिबा को मिलिनी कारण अगस्त पहिलारु जदियो खोलिबा पई कुहा जाईछि सेथिपई हॉल सफा सुतरा सह सानिटाइजेशन प्रक्रिया आरंभ होई आसंता 5 तारिखर नुआ फिल्म हॉल रे चलिबा नै प्रस्तुति चलिछि तेने रास्ता कडर जलखिया अन्य व्यवसाय करी गुजरान मेंटाउथबा व्यापारी भी तर पसरा मिलाइछि गाइडलाइन तो एबे नुआ आसिनि गत लास्ट फ्यू जनवरी बे हमको खुली गाइडलाइन देके सिनेमा खुलिया पई देथिले हमें 4 मास बीच गाइडलाइन अनुसार चलैथिलु एवं हमें देखिलु निजे सक्सेसफुल हमें हेइछु हम निजे सटिस्फेक्शन हमें पाइथिलु तो सेहि सारे गाइडलाइन नै किबे अथरा हमें सिनेमा खुलिबो एवं चलैबो
गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई हुई है वो हम पूरी तरीके से उसको पालन कर रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने बोला हुआ था कि 50% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से 50% फुटफॉल होना चाहिए, वो हम मेंटेन कर रहे हैं। फूड कोर्ट में 50% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ही हमने सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही हम कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं अंदर आए। मॉल रे कस्टमर एंट्री करूँ फर्स्ट हैंड सैनिटाइज करी से मॉल भितर एंट्री करपर तर फाइनल सर्टिफिकेट कोविड देखिए से एंट्री करूँ थर्मल स्क्रीनिंग भी चलती। आउ मॉल रे आपण देखिए फूड कोर्ट रे जो क्षमता 400% थिला एट ए टाइम ताको आमे डिक्रीज करके 100-150 कर देछु। टेबल चेयर पूरा डिक्रीज हो जाइछि आउ फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज होछि टेबल चेयर्स। सपोटे पार्क खोली थिबारु किछि लोक सकाळु सकाळु घासर गालीचा उपरे प्रातः भ्रमण करथिले। घासर गालीचा उपरे किए किए निज परिवार सह सेल्फी लेथिले ताउ किए व्यायाम करबा सह बुलिबारे व्यस्त थिले। सपोटे राजस्थानरे कटकणा कोहळ हेबा परे स्थिति अनुध्यान पई नियोजित होइछन्ति बीएमसी रो 37 जण अफिसर केउठी कि परिभावे नियम पालन करा जाउछि प्रतिदिन देबे रिपोर्ट। 36-37 जन अफिसर एथरे मुतयन होती जे कि ऑब्जर्व करेंगे ऑन दी डे एवं डेट गोटे दिन सरला गोटे डे रो रिपोर्ट भी सबमिट कर तेणु आम भावु निश्चित भाव लोकंर क्वेरी रुक तो दोष देने हेनी ता सहित आमको भी सचेतन करेबार जो माध्यम गुड़ी आउट बलबत्तर कर तो बहुत दिन है कोरोना घरे रही रही पूरा हाथ गोड़ पूरा बसीगला भाया लगुच आज प्रथम गाइडलाइन के बाहर को आसीचु पार्क को बहुत पार्क रे टिके बहुत भल लगुच नहीं ग्राहक हिसाब से मुझे कह सरकार गाइडलाइन जहाँ सब कराई आम मानी स्वागत योग्य किंतु आम मैंने से नियम कानून को मानि चलिबा और आम उपर निष्पत्ति करे आग को तृतीय लहर आसर अल्प संख्यक लोक व्यवसाय करने को भुवनेश्वर कैमेरामैन संजय साहू सुमंत सुंदर राय। वर्तमान समय हो जाए एक ब्रेक रोर्टे लाइव स्ट्रीमिंग प्रथम दिन बार आसोसिएशन रो विरोध विचार प्रक्रिय गोपनीयता रहुन और नियम लागू करने पूर्व आईनजीवी आलोचना करोग कर हाइकोर्ट बार आसोसिएशन एथस विज्ञप्ति प्रत्याहार ने जोर धरी दाबी। आरंभ विरोधर सम्मुखीन हाइकोर्ट में मामलागुड़िकर लाइव स्ट्रीमिंग व्यवस्था को विरोध खोद हाइकोर्ट बार आसोसिएशन कर विरोध विचार प्रक्रिया गोपनीयता न रहिबा एवं कोर्टरूम भितर हेउथिबा जुक्ति उपस्थापना शैली को लोके भूल अर्थरे नै पारंती बोली कहिछि हाइकोर्ट बार आसोसिएशन। यहा सहित एही नुवा नियम लागू करिबा पूर्वरु आईएनजीबी बा हाइकोर्ट बार आसोसिएशन सह कोर्ट कोनोसी आलोचना करिनथिबा अभिजोग करिछि हाइकोर्ट बार। मे चीफ जस्टिस महोदय को एबिसर त अवगत करिवु एवं त अनुरोध करिवु एही जो लाइव ब्रॉडकास्ट जो रूल्स टा जो होउछि कोर्ट प्रोसीडिंग रूल्स टा ताकू वर्तमान आपण रिभोक करूँ एवं रिभोक करिया पर्यंत आम पुणी बुधवार मीटिंग हबो बुधवार भितर जदि आमर अनुरोध रक्षा करा न जाए डिमांड जदि सेवन सैटिस्फाई न करंती तारे पुणी पुनर्बार बुधवार दिन आम गोटाए 20 मिनिट आम एठी मीटिंग करू। हाइकोर्ट रे सुनानी हेउथिबा मामला गुडीकर लाइव स्ट्रीमिंग करिबा पई गत मास 28 तारिख रे हाइकोर्ट एक विज्ञप्ति जारी करथिले। हाइकोर्ट ऑफ ओडिशा लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स रूल 2021 प्रणयन कर अगस्त 2 तारीख रु सीधा प्रसारण बा लाइव स्ट्रीमिंग कार्य आरंभ हो विज्ञप्ति फल लोके घरे बसी मामला शुणानी लाइव टेलीकास्ट देखिपारे यहाद्वारा आईनजीवी सह विचारपति भावमूर्ति खंडित होवार आशंका व्यक्त कर आईनजीवी। एटा पार्लियामेंट नुह कि फुटबल मैच नुह ये बहुत जिनस रही जोटा आम सिक्रेटली करूँ जजेस वकिल सहित संपर्क में डिस्क्लोज र लोकंर जनसाधारण आईन प्रति विश्वास और कोर्ट प्रति विश्वास कमी आम ओडा गोटे पोर स्टेट ये सबसटेनसीयल जस्टिस सिस्टम प्रिभेल ये जगह आज समस्त वकिल मैंने आज कौन कहले कोर्टे से अपोजिट धरावे क्लाएंट द्वारा धरावे यादारा वकिल मानक बहुत परिमाण में अफेक्ट कर जिन आज्ञा। प्रथम दिन अनेक मामलार शुणानी सीधा प्रसारण करज्ञप्ति को प्रत्याहार दाबी कर हाइकोर्ट बार आसोसिएशन आसंता बुधवार एक बैठक कर निज परवर्त कार्यपन्था धार्य कर। कटकु नभेश महांती न्यूज 18 ओडिया।
साइबर ठकंक नुआ ट्रेंड घर भड़ा नेबाकु कही आखि पिछुलाके खाली करि देउछंती अकाउंट विशेषकर वरिष्ठ नागरिक मानंकु साइबर ठक माने टार्गेट करुछंती निजको कोनोसे संस्थार कर्मचारी कही घर भड़ा मागुछंती आ घर मालिक राजी होई गले एडवांस देबाकु कही मोबाइल को एक लिंक पठाउछंती थरे से लिंक उपर क्लिक कले अकाउंट खाली होई जाउथुबा अभिजोख हेउछी गत सप्ताह मध्यरे 5 रो 6 टी अभिजोख आसीबा परे ट्विन सिटी बासिंकु सचेतन करिछि कमिश्नरेट पुलिस सेहिभली वर्तमान भुवनेश्वर रे 13 टी उपाय रे साइबर ठक जहाँ गत जुलाई रे पुलिस जानिबा को पाई गत जुलाई मास रे भुवनेश्वर 55,60,000 टंका लुटी साइबर ठक ए क्राइम को रोकिबा को हेले बहु परिमाण रे सचेतनता जरूरी मु आपन मान क माध्यम रे विशेष करी ट्विन सिटी रे जनसाधारण को अपील करिवी जे कोनोसी प्रकार ट्रांजैक्शन करिबा अगुरु डबल चेक करिबा निहाती दरकार आपण माने ए विषय रे सचेतन नुहंतु अजणा व्यक्ति सहित चैटिंग हौ फ्रेंडशिप हौ अजणा व्यक्ति सहित ट्रांजैक्शन हौ ए सबु करिवा बेले दि थर वेरीफाई करी करतु ओएसएससी सदस्यक कोटिपति पीएस बिरंची साहू निलंबित दृढ़ कार्यानुष्ठान पई सुपारिश कले ओएसएससी अध्यक्ष निर्मल मिश्र विभागीय तदंत पर कार्यानुष्ठान निया जायछि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सदस्यक व्यक्तिगत सचिव बिरंची नारायण साहू को चाकरीरु निलंबन करा जायछि तांको निलंबित करिछंति ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रो अध्यक्ष निर्मल चंद्र मिश्र यहासह तांको विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबाकु सरकार को सुपारिश करिछंति सेपर बिरंचिंक बैंक अकाउंट रो छानबीन करिछि विजिलेंस जांच बेले एक निर्दिष्ट किछि अकाउंट को बिरंचिंक अकाउंट रो टंका ट्रांजैक्शन होईछि प्रश्न उठुछि किछि निर्दिष्ट अकाउंट को टंका काहेकि पठाइछंति बिरंची टंका पाइथिबा व्यक्ति माने किए व्यक्ति जनक ओएसएससी ऑफिस रो कोनोसे अधिकारी नुहंती तो जहां को हातबारिसी करी बिरंची पिलांको कैरियर सह खेलुथिले सेहिपरि बिरंचिंक स्त्री और शालकंक विरोध में मामला रुजु परे खूब शीघ्र उभयंकु तदंत परिसरभुक्त करा जिवो मोबाइल फोन सीज करजु मोबाइल फोन रे भी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अछि पिलामनंग जो आरडी कार्ड विषय डिटेल अछि सेटा भी हम सीज करजु और साइबर फॉरेंसिक टीम को पठाइ दिबे और बाकी जो कॉल डिटेल्स भी रिव्यू करबे और पूरा डिटेल करबे एबे डीए पर हमरो डिटेल एबे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन रे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स रे सब एविडेंस अछि से विषय रे केस हो बाकी और ये केस रे और की इन्वॉल्वमेंट चलती और इन्वेस्टिगेशन रे जाना पड़ेगा नजर पकाइबा आउ एक बड़ खबर उपरे उपेन्द्र त्रिपाठी हेले ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन रो आवाहक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एही नियुक्ति देइछंती 1980 ब्याच रो अवसर प्राप्त कर्नाटक क्याडर रो आईएएस हेउछंती उपेन्द्र त्रिपाठी निज राज्य पई बिना दरमारे कार्य करिवे उपेन्द्र केन्द्र अक्षय शक्ति विभाग सचिव भाव कार्य कर सारी से गंजाम जिला कहकपुर में उपेन्द्र घर शिक्षाविद विजय साहू का देहांत पर खाली पड़ा पदवी आ वर्तमान एही पदवी रे नियुक्ति पाइछंती उपेन्द्र त्रिपाठी 1980 ब्याच रो ओडिया आईएएस ऑफिसर जे कर्नाटक कैडर रे कार्य करूथिले तेबे अजेश मल्लिक आम करेस्पोंडेंट आम सह फोन लाइन जोडी होइछंती अजेश केबे सुद्धा उपेन्द्र त्रिपाठी निज दायित्व ग्रहण करिवे एवं एहा परे उपेन्द्र त्रिपाठी कर कोनोसी प्रतिक्रिया मिलि पारिछि कि लिस्टाबे देखंतु अभिनव मेदी कहबा जे कि शिक्षाविद तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट विजय सांको देहांत परे आदर्श विद्यालय संगठन रो उपदेष्टा पदटी खाली थिला एवं देखिबे आज मुख्यमंत्री मध्ये उपेन्द्र त्रिपाठी को एही नुआ पद रे बसाई छंती जे आपण देखिबे जो त आज जेतले तांको एही पद रे बसा जायती हो त खूब कम समय मध्ये रे ही से ए जो दायित्व मध्ये निर्वाह करे बा निजर निजर दायित्व मध्ये नेबे जदि कहिबा उपेन्द्र त्रिपाठी को विषय रे आपण जे आलोचना करिबे देखंतु एतले विजय साहू को देहांत परे एही पदटी खाली पडिथिला कारण जेतबेले आदर्श विद्यालय संगठन अनेक दृष्टि गोटे शिक्षा को उच्च सोपान को नेबा पई उच्च सोपान को नेबा पई एबोली एक प्रक्रिया मध्ये आरंभ होइतला तापर विजय सांग को ए पदवी रे उपस्थित अवस्था थिले किंतु तांको ध्यान त परे पदवी खाली रहितला जे देखिबे उपेन्द्र त्रिपाठी निज आडू मध्ये से मध्ये इच्छा प्रकाश करिथिले जे राज्य पई तांको जो शिक्षा क्षेत्र तांको अवदान रहिछि शिक्षा क्षेत्र तांको जो अभिज्ञता रहिछि ताको मध्ये से मध्ये निज आडू मध्ये वैषयिक त्रुटि पई अजेश को सहित जोगाजोग विच्छिन्न होई छी बहुत बहुत धन्यवाद अजेश आपनकर तमाम सूचना पई वर्तमान देखिबा टोकियो ओलंपिक संपर्कित खबर ओलंपिक
ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଇତିହାସ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ଲେଡି ବ୍ରିଗେଡ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ଦମଦାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ୱିମେନ୍ସ ହକି ଟିମ୍ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୋର ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁଜିତ୍ କୌର ଏଥିସହ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକଠାରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ବିଜୟ ପାଇଁ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏଥିସହିତ ବିଜୟଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି 2018ରୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଦଳର ପ୍ରାୟୋଜକ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା India. What a terrific game our women's hockey team played against Australia. Keep it up. The best of luck. ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ର ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଟିମ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି ଏହା ସହିତ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ନମସ୍କାର